नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज़ को सीधा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले आप मेरे, इससे पहले ही मैंने कल एक वीडियो लेक्चर लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन समझा रखा है, तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप उस क्वेश्चन सीरीज़ पर आइए, ताकि होगा क्या इससे कि आपके उधर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इधर जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट कहाँ अटैच हो रहा है, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, नवीन है मेरा नाम, और बढ़ते हैं क्वेश्चन सीरीज पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर फॉर। क्वेश्चन क्या है समझिए आप, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन दोनों कौन से मेजर में आते हैं। पहला प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन एंड प्रीमोडियल प्रिवेंशन। तो आप इसको सीधा सीधा समझिए, ये है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में दो मोड ऑफ इंटरवेंशन होता है, पहला होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और दूसरा होता है आपका हेल्थ प्रमोशन। तो ये दो आपके मोड ऑफ इंटरवेंशन है। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी प्रिवेंशन की, तो उसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है आपका, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। दिस इज़ योर सेकेंडरी प्रिवेंशन के मोड ऑफ इंटरवेंशन है। जब आप टर्शरी प्रिवेंशन की बात करेंगे तब हम बात करते हैं मेनली रिहैबिलिटेशन की, रिहैबिलिटेशन मोड ऑफ इंटरवेंशन एंड लिमिटेशन ऑफ डिसएबिलिटी। ये सभी चीज़ें मैं अपने लेक्चर सेशन में बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। और जब अगर हम प्रीमोडियल की बात करते हैं तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आपका आता है एजुकेशन। मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या था, एजुकेशन। एजुकेशन में इंडिविजुअल एजुकेशन आता है, मास एजुकेशन आता है, तो ये सभी मोड ऑफ इंटरवेंशन आता है प्रीमोडियल में। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, आंसर इज करेक्ट ए, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। यस, हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हेल्थ प्रमोशन में आपका आता है हेल्थ एजुकेशन, अगर आप कुछ मेनली हेल्थ एजुकेट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, उसके एनवायरमेंटल सराउंडिंग को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन दे रहे हैं, लाइफस्टाइल बिहेवियरल चेंजेस कर रहे हैं, तो ये सब किस में आ रहा है आपका, हेल्थ प्रमोशन में। जबकि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आता है आपका, मेनली इम्यूनाइजेशन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इम्यूनाइजेशन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, है ना। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, कीमो प्रोफाइलेक्सिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड एंड कार्सिनोजन, अवॉइड ऑफ एलर्जन, ये सभी आते हैं आपके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन एंड प्रीमोडियल। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेनली आपका आता है प्रीमोडियल में, है ना। अभी तक डिजीज है नहीं, लेकिन रिस्क फैक्टर उसमें प्रेजेंट है, है ना। तो ये किस में आता है आपका, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, कंडक्टिंग अ पैप स्मियर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ सर्विक्स इज। क्या क्वेश्चन है कि भाई आप एक पैप स्मियर एग्जामिनेशन कर रहे हैं पता लगाने के लिए कैंसर ऑफ सर्विक्स, तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। देखो, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम स्क्रीनिंग की बात नहीं करते, हम स्क्रीनिंग की बात कहाँ करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। स्क्रीनिंग टेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तब हम कौन सा प्रिवेंशन की बात करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। टर्शरी में भी नहीं करते और प्रीमोडियल में भी नहीं करते। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, बी। करेक्ट आंसर इज बी, द बी इज योर करेक्ट आंसर। स्क्रीनिंग एक्टिविटी लाइक पैप स्मियर हुआ सेकेंडरी प्रिवेंशन, बिकॉज इसको आप ये समझिए सेकेंड प्रिवेंशन को, कि भाई डिजीज ऑलरेडी है, भाई डिजीज की जो पैथोजेनेसिस है वो ऑलरेडी पेशेंट में प्रेजेंट है, है ना। अब आप डिजीज़ के प्रोसेस को होल्ड करना चाह रहे हैं, डिजीज़ के प्रोसेस को क्या करना चाह रहे हैं, होल्ड करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, वो क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, है ना। तो उसको डिजीज़ प्रोसेस को पता लगाने के लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट किस में करते हैं, हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में। दैट इज़ द वेरी वेरी बेस्ट कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस। अगर आप हेल्थ टीचिंग दे रहे हैं रिगार्डिंग द स्क्रीनिंग एक्टिविटी, अगर स्क्रीनिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग आप हेल्थ टीचिंग कर रहे हैं तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा, लेकिन जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। दैट्स अ वेरी की कंसेप्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कंप्लीट कंसेप्ट देने की, है ना, मैंने जो निचोड़ निकाला है जिससे आपका कभी एक आधा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, मेजर टेकन टू द स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड।
क्या क्वेश्चन है कि भाई आप ऐसे कौन से मेजर लेंगे जिससे प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को आप रोक पाएंगे। जैसे मैंने इसमें पहले बताया था, देखो प्राइमरी प्रिवेंशन में अभी डिजीज हुई नहीं है, है ना, डिजीज से पहले ही आप एक्शन ले लेते हैं, डिजीज होने से पहले अगर आप एक्शन ले लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। जबकि सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या, डिजीज अब हो चुकी है ना, डिजीज की पैथोजेनोसिस जो है वो पेशेंट में प्रेजेंस है, लेकिन आप उसकी प्रोग्रेस को क्या करते हैं, हॉल्ट करते हैं इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में जब आप किसी डिजीज़ के प्रोग्रेस को आप होल्ड करते हैं, रोकते हैं, और जिससे प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन करते हैं, कॉम्प्लिकेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, तो वो किस में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो हमारा आंसर क्या चल जाएगा, दैट इज़ अ बी करेक्ट आंसर, सेकेंडरी प्रिवेंशन। बढ़ते हैं, यस सेकेंडरी प्रिवेंशन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी प्रिवेंशन means action which halt the progress of disease as its initial stage in the early stage, है ना, और जिसकी वजह से आप prevent the complication करते हैं। बढ़ते हैं next question पे, the following health care related activity is secondary prevention, इसमें कौन सी activity है जो secondary prevention में है, है ना। पहला giving a medication to the progress, giving medication to patient in the ward, दूसरा एडवाइस ऑन द सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस टू द एडोलेसेंट, तीसरा इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, और चौथा स्क्रीनिंग ऑफ लिपिड डिसऑर्डर इन अडल्ट। देखिए व्हाट इज द, आप इस कंसेप्ट को समझना होगा आपको, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम किसकी बात करते हैं, जो डिजीज़ है उसको होल्ड करने की बात करते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, कब करते हैं, अर्ली स्टेज में करते हैं, और जिससे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, एक कंसेप्ट इसका ये है। दूसरा इसका कंसेप्ट क्या है कि हम जो सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें हम प्रोग्रेस को रोकते हैं, मेनली हम किसको रोकते हैं, प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को। अगर आप इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे तो आप इसको आंसर निकाल पाएंगे। समझते हैं कैसे, पहला गिविंग मेडिकेशन टू द पेशेंट इन द वार्ड, यस मेडिकेशन आप देंगे, अगर आप पेशेंट को मेडिकेशन देंगे तो डिजीज आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे, मतलब आप प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को रोक रहे हैं, है ना, तो दिस इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, करेक्ट है। नो और भी ऑप्शन देखते हैं, एडवाइस ऑन द सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस टू द एडोलेसेंट्स, कभी हम एडवाइस देते हैं तो एडवाइसेस में जो भी एजुकेशन होता है वो हम प्राइमरी प्रिवेंशन मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस, इम्यूनाइजेशन किस में आता है आपका, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस में आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में, तो ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन है। स्क्रीनिंग फॉर लिपिड डिसऑर्डर इन अडल्ट, देखिए आपको ये ऑप्शन थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है, इस ऑप्शन में आप थोड़ा सा वो हो सकते हैं कि भाई सर आपने कहा था स्क्रीनिंग टेस्ट तो हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में डालते हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो हमारे पास अभी दो ऑप्शन है ए एंड डी। लेकिन आप इसको समझिए, अभी लिपिड डिसऑर्डर के लिए स्क्रीनिंग अभी इसको है नहीं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसको लिपिड डिसऑर्डर यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रखा, मतलब हम ये देखेंगे अभी इसको कोई लिपिड डिसऑर्डर है नहीं, है ना, जबकि जब इसको है नहीं और इसको हम पहले ही मतलब स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस के लिए जा रहे हैं यहाँ पे हम, है ना, तो ये भी इसमें आ जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ समझना, गिविंग मेडिकेशन टू द पेशेंट इन द वार्ड टू द हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, आप मेडिकेशन दे रहे हैं जिससे क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को होल्ट होगा, है ना, एंड दैट इससे क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इससे कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होंगे। नाउ ऑल अदर ऑप्शन आर ऑफ योर प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ द नेचुरल ऑफ डिजीज। देखो डिजीज़ का एक कर्व होता है जो मैं यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका ये लेक्चर सेशन, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसको ऐसे याद रखिए T40, है ना, टर्शियरी प्रिवेंशन हम कब स्टेज में बात करते हैं, जब डिजीज़ का टर्मिनल लेवल होता है तब हम टर्शियरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, T40, द करेक्ट आंसर इज डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड, सेकेंडरी लेवल जो प्रिवेंशन होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पहला रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन, ये मैं आपको बता दूँ दिस इज अ टर्शरी लेवल का है, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड स्क्रीनिंग, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस में होता है आपका, प्राइमरी प्रिवेंशन में, ऑब्वियस स्क्रीनिंग होता है लेकिन स्क्रीनिंग एजुकेशन नहीं होता है ना। नेक्स्ट अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यस ये भी आपका हो सकता है, देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन, वैसे सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करने से क्या होगा कि जिससे आप
जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है उसको आप होल्ड करते हैं। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं, स्क्रीनिंग एंड इम्यूनाइजेशन, यस आप स्क्रीनिंग करते हैं लेकिन इम्यूनाइजेशन किस में है, प्राइमरी प्रिवेंशन में। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सी। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे होती है आपका, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। अब क्यों, ये भी समझ लीजिए, जब आप किसी डिजीज़ का अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, सपोज़ करो किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ और आपको अर्ली स्टेज में ही आपको आइडिया लग गया कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, आपने डॉट्स स्टार्ट कर दिया, तो ये ट्यूबरकुलोसिस XDR-TB और MDR-TB में नहीं जाएगा, है ना। तो आपने डिजीज़ को अर्ली डायग्नोस करके आपने डिजीज़ के प्रोग्रेशन को क्या कर दिया, हॉल्ट कर दिया, है ना, जिससे कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो करेक्ट आंसर इज सी, देखते हैं, यस करेक्ट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विच of the measure given below is the secondary prevention of tuberculosis, tuberculosis की बात की ओर आ गया। Now tuberculosis का इसमें कौन सा measure आपका secondary prevention होगा, पहला BCG vaccination, चूँकि BCG vaccination करना मतलब अभी तक उसको disease हुई नहीं है तो वो किस में आ जाएगा, primary prevention में, तो option A आपका गलत हो गया। Dots treatment, yes dot treatment मैंने इसके पहले ही बता रखा है, डॉट्स ट्रीटमेंट, अभी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो गया और आपने फर्स्ट ही आपने क्या कर दिया, डॉट्स स्टार्ट कर दिया, जिससे इसको और आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। लेकिन बढ़ते हैं सी और डी, XDR ट्यूबरकुलोसिस और MDR ट्यूबरकुलोसिस, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशंस, है ना, जब ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाए तब आपकी XDR MDR TB आती है। तो ये मेनली होता है आपके टर्शियरी प्रिवेंशन, ये दोनों किस में आते हैं आपके, टर्शियरी प्रिवेंशन में, ये आता है आपका प्राइमरी। तो करेक्ट आंसर क्या गया आपका, बी। बढ़ते हैं, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। देखिए BCG वैक्सीनेशन इज़ अ प्राइमरी प्रिवेंशन, जबकि XDR एंड MDR इज़ योर टर्शरी प्रिवेंशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन टू विच एक्शन आर टेकन टू इनहिबिट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़। आपको बिल्कुल प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ आते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो अर्ली स्टेज में हम जब भी प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ को इनहिबिट करते हैं, होल्ड करते हैं, दैट इज़ योर सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन विच एक्शन आर टेकन टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड टू प्रमोट पेशेंट एडजस्टमेंट टू रिमेडेबल कंडीशन इज। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस क्या है कि आप विच एक्शन, ऐसा कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसमें हम एक्शन लेते हैं लिमिट द इम्पेयरमेंट। अब डिजीज इसकी बियॉन्ड द कॉम्प्लिकेशन जा चुकी है, अब हम इम्पेयरमेंट को रोकेंगे, डिसेबिलिटी को रोकेंगे और पेशेंट को प्रमोट करेंगे एडजस्टमेंट करने की, भाई जो चीज़ें उसके पास रेजिडुअल जो फंक्शन बचे हैं उसको वो लेके क्या करे, एडजस्ट करे, भाई दिस इज़ योर टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में मोड ऑफ इंटरवेंशन आपके दो होते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन होता क्या है कि भाई अब डिजीज़ आपके बियॉन्ड अर्ली स्टेज के निकल चुकी है आगे, है ना, अब आपको करना क्या है, जितनी भी रेजिडुअल जो फंक्शन है, जो फंक्शंस बचे हुए हैं, उन फंक्शंस को बचाकर आपको पेशेंट को क्या करना है, एडजस्टमेंट करवाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी प्रिवेंशन। इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन आपके दो होते हैं, पहला डिसएबिलिटी लिमिटेशन, डिसएबिलिटी लिमिटेशन, एंड दूसरा होता है रिहैबिलिटेशन, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों आपके किस में होते हैं, आपके टर्शरी प्रिवेंशन में। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आंसर सी, दैट इज़ अ टर्शरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, पेशेंट इज ऑन साइकोथेरेपी, व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, पेशेंट किस पे है, साइकोथेरेपी पे है, तो इसमें कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन लगेगा, है ना। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि भाई क्या है, और वहाँ पे मैं इसका करेक्ट आंसर आपको सबको रिप्लाई कर करके मैं देता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो प्राइमरी प्रिवेंशन का नहीं है, नॉट, है ना। पहला BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, दूसरा स्मोकिंग सीजेशन मतलब जो स्मोक है उसको बंद कराना, तीसरा BCG वैक्सीनेशन देना, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। देखो आप BSE से स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट हमेशा हम लेते हैं किसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो पहली बात ये प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है। चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं, स्मोकिंग सीजेशन, स्मोकिंग सीजेशन आपका हेल्थ प्रमोशन में आता है, है ना, हेल्थ प्रमोशन में आता है, तो ये अपना प्राइमरी प्रिवेंशन है, है ना। BCG वैक्सीनेशन, BCG मतलब इम्यूनाइजेशन किस में आता है आपका, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जो कि आपका प्राइमरी प्रिवेंशन है,
विटामिन ए सप्लीमेंटल सप्लीमेंटेशन वो भी आपका किस में आता है, वो आपका आता है हेल्थ प्रमोशन में। तो हमारा जो नहीं है वो क्या है, बी एस ई, दैट इज द बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसको हम कंसिडर्ड करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। पहला फिजियोथेरेपी ऑफ अर्थैल्जिया, दूसरा सर्जरी फॉर कैटरैक्ट, तीसरा डॉट्स थेरेपी ऑफ टीबी। देखो अब आपको एक ऑप्शन तो दिख रहा है कि भाई ये सेकेंडरी प्रिवेंशन का एलिमेंट है टीबी का। ऊपर के दोनों की बात कर लेते हैं, सर्जरी ऑफ कैटरैक्ट, कैटरैक्ट इज एनी ओपेसिटी ऑफ लेंस, है ना, ओपेसिटी ऑफ लेंस के लिए हम सर्जरी करते हैं, ताकि सर्जरी क्यों करते हैं कैटरैक्ट में, ताकि और आगे प्रोग्रेशन ऑफ ब्लाइंडनेस में नहीं चल जाए, है ना, पेशेंट ब्लाइंडनेस में नहीं जाए जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन, मतलब आप सर्जरी ऑफ कैटरैक्ट से आप डिजीज के प्रोग्रेशन को रोकते हैं, तो ये भी आपका क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन। फिजियोथेरेपी ऑफ अर्थाल्जिया, अगर पेशेंट को कहीं जॉइंट्स में पेन है, अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, पेशेंट का पेन रिड्यूस होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पेन आपका कम होगा और उससे और आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, तो ये भी आपका अर्ली स्टेज में आप डिजीज को क्या कर रहे हो, प्रोग्रेस होने से बचा रहे हो, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो फिजियोथेरेपी में। तो सभी एलिमेंट है, तो करेक्ट आंसर इज डी, देखते हैं, यस करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इज नॉन एज, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर। देखो अभी रिस्क फैक्टर के प्रिवेंशन को आइडेंटिफाई करना कौन सा है, दैट इज योर प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, हाँ या ना, तो बढ़ते हैं, यस डी इज द करेक्ट आंसर। ओके थैंक यू सो मच, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नवीन है मेरा नाम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और मेरी कोशिश रहेगी CHO का मैं कंप्लीट सिलेबस अभी अपलोड करूँगा रोज़ के रोज़, वापस कोशिश रहेगी वीडियो अपलोड करने की। अगर आपको कोई क्वेश्चन लेवल ऑफ प्रिवेंशन में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हो सके तब तक मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।